इसराइल हमास युद्ध की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठा है और ये कोई नहीं जानता कि कब ये ज्वालामुखी फटेगा। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा और इसमें ईरान, यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला सबसे बड़े मास्टरमाइंड साबित होंगे, क्योंकि इन तीनों की तिकड़ी इसराइल को निगलने के लिए तैयार बैठी है। और जब इसराइल ने लेबनान में पेजर डिवाइसों वॉकी टॉकी में धमाके कराए तो सबसे पहले वो ईरान ही था जो बौखला उठा। जी हाँ, ईरान ने पहले तो पेजर धमाकों में घायल हुए लोगों के इलाज की पेशकश की और उसके बाद अब ईरान ने इसराइल को दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान हमले का बदला जरूर लेगा। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि अब ईरान इसराइल के खिलाफ क्या करने जा रहा है, तो उससे पहले पेजर धमाकों में ईरान क्यों बिलबिलाया है ये आपको बताते हैं। दरअसल 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान में एक साथ सैकड़ों पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके हुए जिनमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 37 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और जब तक हिजबुल्ला कुछ समझ पाता तब तक इसराइल ने अपना काम कर दिया और यही वजह है कि अब ईरान उसकी ढाल बनकर सामने आया है। ईरानी सेना यानी ईरान रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला को एक पत्र लिखा है। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने हिजबुल्ला से कहा है कि मैं घोषित करता हूं कि इस तरह का आतंकी हमला हताशा और इसराइल की नाकामी का नतीजा है। जल्द ही इसे प्रतिरोध की धुरी से कुचलने वाला जवाब मिलेगा और हम इसराइल के बर्बर और आपराधिक शासन के अंत के गवाह बनेंगे। सलामी ने हिजबुल्ला की सराहना करते हुए आगे कहा कि हिजबुल्ला फिलिस्तीनियों के संघर्ष में उनकी मदद कर रहा है। आपको और प्रतिरोध के लड़ाकों और लेबनान के महान लोगों को यह विशेष आशीर्वाद मिला है कि आप अपने शरीर, आत्मा और प्रियजनों की आत्मा के साथ बिना किसी देरी के मैदान में आए ताकि उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों, विशेषकर गाजा के महान पुरुषों और महिलाओं की रक्षा हो सके। आपको बता दें कि कमांडर सलामी ने अपनी इस चिट्ठी में हिजबुल्ला के ऑपरेशन अरबेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला ने कमांडर फौज शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन अरबेन डे पिछले महीने चलाया जिसने इसराइल के इंटेलिजेंस और सैन्य अड्डों को हिलाकर रख दिया। सलामी ने आगे कहा, दुश्मन आमने सामने की लड़ाई में अयोग्य है। वो जंग के मैदान के पीछे अपराध करके उन्हें अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाता है जिससे वो लगातार अपनी हार के घोटाले को दुनिया से छिपाता रहा है। सलामी ने यह भी कहा कि गाजा युद्ध के करीब एक साल बाद भी इसराइल अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया और पश्चिमी देशों के अनदेखे और कभी न रुकने वाले समर्थन की वजह से इसराइल हर तरह के अपराध कर रहा है। सलामी ने आगे कहा कि अपमानित इसराइल जो लगातार प्रतिरोध द्वारा केंद्र, उत्तर पूर्व और दक्षिण से हमलों का सामना कर रहा है उसे पेजर्स और वॉकी टॉकी सिस्टम का इस्तेमाल करके लेबनान की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के खिलाफ हमला किया। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय भूमध्य मानवाधिकार मॉनिटर ने इसराइल के इन हमलों की निंदा की है। इस संस्था ने इसराइल के ऊपर लेबनान में नागरिकों पर बिना भेदभाव किए हमला करने का आरोप लगाया और लेबनान में हमले की टाइमिंग भी बताती है कि इसराइल ने किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं किया जिससे नागरिकों को बचाया जा सके, क्योंकि उस वक्त डिवाइस यूजर्स अपने घरों में परिवारों के साथ थे जिसकी वजह से बच्चों को मिलाकर कई नागरिकों को चोटें आईं।